क्लास 9th में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास वो है नंबर सिस्टम। वेरी फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारे पास? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले बातें हम किसकी करेंगे? नंबर्स की। ठीक, कौन से नंबर्स की हम बात करेंगे? सबसे पहले नंबर, जब आप बिल्कुल छोटे थे, स्टार्टिंग से जब आपको नंबर्स सिखाए गए थे, सबसे पहले कौन से नंबर्स बताए गए थे? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से थे? जो सबसे पहली डिजिट आपने अपनी लाइफ में सीखी थी वो कौन सी थी? वन। उसके बाद टू, थ्री, ऐसे सीखना शुरू किया आपने। ठीक, वो जो नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर, उनका नाम आपने रखा था प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर हैं? तो आप याद रखने के लिए कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक, ये समझ आता है, ये हम पहले से पढ़ के आए हैं, ये समझ आता है आपको? ठीक। अच्छा, इसके बाद जब आप और आगे बढ़े तो आपने नेचुरल नंबर्स के बाद फिर से और डिजिट्स पढ़ना स्टार्ट की, और उन डिजिट्स में जो दूसरे नंबर आपने पढ़े वो नंबर थे प्यारे बच्चों, होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा जीरो, उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। बहुत सारी डिजिट्स हो सकती हैं ऐसी। ठीक, फिर से नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। होल नंबर्स कौन से नंबर हैं? ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। ठीक, ये दो बातें हमने पढ़ी, अब हमने इस पे डिस्कस करना शुरू करना है। सुनिए ध्यान से, जितने भी आप नेचुरल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आपको यहाँ पर भी लिखे हुए दिखाई दिए। तो आपने सोचा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं? होल नंबर्स। ये बात आई समझ में? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक, फिर आपने ये सोचा कि क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसमें तो जीरो आता है, इसमें जीरो नहीं आता है। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर होते हैं। ये समझ आया आपको? ठीक, अब इसके बाद जैसे जैसे आप और आगे नंबर्स को पढ़ते गए, उसके बाद आपने इंटीजर्स को देखा, आप नंबर्स लाइन वगैरह बनाना सीख के आ चुके हो क्लास 8th में, 7th में, है ना? तो आपने किसको देखा होगा इसके बाद? इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं सर? तो इंटीजर्स में प्यारे बच्चों होल नंबर भी आते हैं, होल नंबर जीरो, वन, टू, थ्री, है ना, ये सब भी आते हैं। ठीक, और ऑल्सो नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे। ये आपको समझ आया? ठीक, तो फिर से देखिए, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में जीरो भी होता है, वन टू थ्री भी होते हैं, -1, -2, -3 भी होते हैं एंड सो ऑन तक होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और सुनिए ध्यान से आप, यहां जीरो से यहां से जो नंबर जा रहे हैं इन सब नंबर को हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हुए, जीरो क्या है? एक, हमने क्या माना है? जीरो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अच्छा, और यहां से जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नंबर क्या हैं? तो आंसर है ये सब नेगेटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ये बात समझ में आती है हमें? अच्छा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसी तरह से हम इसके लिए भी सोचना शुरू किया हमने, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या इंटीजर्स के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। सब आ रहे हैं, देखो, वन टू थ्री फोर यहां भी लिखे हुए हैं और यहां भी लिखे हुए हैं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब ऑल्सो क्या हैं? इंटीजर्स। ये बात आ रही है आपको समझ में? अच्छा, फिर से देखना, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो ऑल्सो क्या हैं? होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो ऑल्सो क्या हैं? इंटीजर्स। ये बात आई आपको समझ में? ठीक,
अब एक और बात फिर से सोचिए, क्या जितने भी होल नंबर हैं वो सब इंटीजर के अंदर आते हैं या नहीं? आते हैं, ठीक। तो इसका आपने क्या रिजल्ट बनाया? तो आपने रिजल्ट बनाया कि जितने भी होल नंबर हैं वो सब ऑल्सो क्या होते हैं? इंटीजर्स, ठीक। तो यहां पर एक पैटर्न बन गया, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सब इंटीजर्स हैं, ठीक। ऐसा मैंने एक पैटर्न बनाया। अच्छा, इसके बाद प्यारे बच्चों एक और नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पर, या आप पहले से कुछ जानते होंगे उसके बारे में। नेक्स्ट जो टर्म आता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, आप रैशनल नंबर्स को पहचानते हो क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर दिखता हो और एक डिनोमिनेटर दिखता हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा पी और अपॉन में कुछ लिखा क्यू, ठीक है। तो ये पी क्या है यहां पर? न्यूमरेटर। क्यू क्या है यहां पर? डिनोमिनेटर, ठीक। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ये समझ आता है आपको? ठीक। यहां पर आपको जब आप बुक में देखोगे तो आपको एक चीज लिखी हुई दिखेगी वहां पर कि क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो। क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? क्यू, क्यों नहीं होनी चाहिए जीरो? नो, नो, डिवाइड नहीं होगा। चलो एक आंसर और, कुछ डिवाइड करके आंसर जीरो आएगा? नो, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या होगा ऐसा कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए? तो ठीक है, सुनिए आप ध्यान से, कहीं पर प्यारे बच्चों ऐसा लिखा हुआ है जीरो अपॉन में वन। क्या लिखा हुआ है? जीरो अपॉन वन। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये क्या है? न्यूमरेटर और ये क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक। अच्छा, ये रैशनल नंबर है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि किस फॉर्म में है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। इसका क्या आप आंसर बता सकते हैं मुझे, क्या आएगा? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? आंसर है यस, हम सॉल्व कर सकते हैं। जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो, ठीक। ये बात याद रखिए, फिर से सुनिए मेरी बात। मैंने कहीं पर लिखा जीरो अपॉन टू, ऐसे लिखा, ठीक। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है यस, मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको। कैसे? इसका आंसर क्या आएगा? जीरो, ठीक। लेकिन एक बार मेरे सामने ऐसी कंडीशन आई कि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ आया वन अपॉन जीरो। अब जीरो अपॉन वन तो जीरो होता है, जीरो अपॉन वन तो क्या होता है? जीरो। लेकिन वन अपॉन जीरो क्या होता है? नो, वन नहीं होता है, नो। और कुछ सोचिए, आपने कहा सर वन होता है, मैंने कहा नो ये आंसर नहीं है। आपने कहा जीरो होता है, नो ये आंसर नहीं है, जीरो अपॉन वन जीरो होता है। तो वन अपॉन जीरो, मुझे डिवाइड करना ही नहीं आता है जीरो से किसी नंबर को। ऐसा सोचिए आप कि सर को डिवाइड करना ही नहीं आता है, सर इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, सर इस बात को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये चीज कैसी है? नॉट डिफाइन। क्या कहेंगे इसको हम? नॉट डिफाइन, ठीक। तो किसी भी नंबर के नीचे जीरो लिखा हुआ आया तो मैंने इसको क्या लिखा? नॉट डिफाइन। ये इसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक। फिर से, अब किसी बच्चे को ऐसा लिखा हुआ मिला टू अपॉन जीरो, क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइन, ठीक। इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। ये बात आई समझ में? ठीक। सर ये नॉट डिफाइन क्यों होता है? नॉट डिफाइन क्यों होता है? कोई कारण भी तो होगा इसका, ठीक है। हमने सोचना शुरू किया इसके बारे में, यहां पर लिखा हुआ है जीरो, ठीक है, और मुझे डिवाइड करना है किसको? टू को, है ना। तो मैं यहां किस नंबर से को यहां पर लिखूं जिससे इसका मल्टीप्लाई कराऊं और आंसर टू आ जाए? मैंने, चलो मैं इसको दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया कि भाई यहां पर टू लिखा है और यहां पर फोर लिखा है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक नंबर ऐसा लिखूं कि उस नंबर का यहां मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर फोर आ जाए, ठीक है, हो गया डिवाइड। यही तो होती है डिवाइड की प्रोसेस। अब आप मुझे एक ऐसा नंबर यहां पर लिखकर बताइए जिसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं और यहां पर टू आ जाए,
अब आपने सोचा क्या सोचूं मैं, चलो वन बोलूंगा तो सर कहेंगे जीरो इंटू वन जीरो। अच्छा मैं ना हंड्रेड बोल देता हूं सर को, तो हंड्रेड इंटू जीरो आंसर, ये तो दिक्कत हो गई। मैं वन लैख बोल देता हूं सर को, चलो वन लैख इंटू जीरो जीरो, कोई नंबर ही नहीं मिल रहा ऐसा जिससे कि डिवाइड हो पाएगा ये कभी। तो क्या यहां पर कोई एक पर्टिकुलर नंबर लिख सकते हो आप? आंसर है नो। कितने नंबर यहां पर लिख सकते हो? कुछ भी लिखा जा सकता है, वन भी टू भी थ्री भी, कुछ भी लिखा हो सकता है यहां पर, क्योंकि यहां पर तो क्या आना है, जीरो। तो अब एक चीज सोचना आप, यहां पर जीरो है, यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है मेरे हाथ के पीछे और यहां पर आंसर जीरो आया। आप बता सकती हैं क्या कि इसके पीछे क्या लिखा होगा? आपने कहा सर हो सकता है टू लिखा हो, दूसरा बच्चा बोला नहीं सर फाइव लिखा होगा, एक बच्चा बोला नहीं सर एक करोड़ लिखा होगा इसके पीछे, है? लेकिन सबका आंसर क्या आ रहा होगा? जीरो। तो इसका मतलब इस चीज को तो मैं डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा, कोई नंबर ही नहीं है मेरे पास जिससे मैं ये बता पाऊं कि इसके पीछे मेरे हाथ के पीछे यहां पर क्या लिखा होगा। तो इसका मतलब इस चीज को एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होता होगा? नॉट डिफाइंड। ये समझ आया? तो बुक में जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि P अपॉन Q क्या है, एक रैशनल नंबर, और जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ये समझ आया आपको? ठीक। अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एक चीज तो समझी इतने डिस्कशन पर, क्या चीज समझी कि जो ये जीरो जो होता है, जीरो क्या ये रैशनल नंबर है? तो आंसर है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे अपॉन में मैंने क्या लिख दिया? वन। ठीक। तो जीरो अपॉन वन कौन सी फॉर्म हो गई ये? क्यू किसके इक्वल नहीं रखा है मैंने? जीरो के। तो ये बन रहा है ना, कैसा नंबर बन रहा है? रैशनल नंबर। ठीक है। जीरो कैसा नंबर होता है? होल नंबर। ठीक। तो आप एक चीज करके देखिए। क्या चीज करके देखें सर? देखो सुनना ध्यान से, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है ना, ये सब नेचुरल नंबर ही तो लिखे मैंने बोर्ड पर, क्या ये सब रैशनल नंबर होते हैं? तो आंसर है हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या इनके नीचे ऐसे लिख सकता हूं मैं? ऐसे हाँ सर लिख सकते हो। टू अपॉन वन लिखे तो टू एक ही बात है, थ्री अपॉन वन लिखे या थ्री लिखे एक ही बात है। तो ये सब किस फॉर्म में लिख दिए मैंने? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या हो सकते हैं? रैशनल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको ये भी कहा था कि जीरो अपॉन वन भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो सब भी किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? रैशनल नंबर की फॉर्म में। अच्छा सर क्या ऐसा नहीं लिख सकते हम? हाँ लिख सकते हैं। तो माइनस वन अपॉन वन भी लिख पा रहा हूं, माइनस टू अपॉन वन भी लिख पा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इंटीजर हैं वो भी सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ये बात आई आपको समझ में? ठीक। अब मेरी बात, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दीजिए आप। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस और नो? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस और नो? यस। करेक्ट। ठीक। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक। अब फिर से सुनना, एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। व्हाई? बिकॉज यहां पर नेगेटिव नंबर आते हैं, यहां पर नहीं आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यस। फॉल्स। ट्रू, सॉरी ट्रू। ठीक है ना। अच्छा इसी तरह से होल नंबर के बारे में बात करो, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यस। ट्रू। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो बोर्ड पर आपको ऊपर वाले तीन जो लिखे हुए हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ये मैंने आपको करके दिखाया, ये समझ आ रही है आपके बात? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज है 1.1 और ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है? इज जीरो आर रैशनल नंबर? तो ये तो हमने अभी अभी डिस्कस ही किया है। क्या डिस्कस किया है? कि जीरो के नीचे अपॉन में क्या लिखा जा सकता है? वन। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई?
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसका मतलब जीरो कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर, है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इज जीरो आर रैशनल नंबर, आंसर है यस, जीरो इज रैशनल नंबर, ठीक है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, हाँ लिख सकते हैं, कैसे, कुछ एक एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल सुनिए आप। पहला एग्जाम्पल तो आपने दे दिया, क्या, जीरो अपॉन वन, और एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, कुछ भी दो इसके नीचे, जीरो अपॉन में क्या लिख दो, टू, जीरो अपॉन क्या लिख दो, थ्री, जीरो अपॉन क्या लिख दो, हंड्रेड, जो मन में आता हो आप नीचे लिखिए, ठीक। और ये सब की सब कौन सी फॉर्म है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, और जहां पर क्यू को मैंने क्या नहीं रखा है, जीरो के इक्वल, जो कि उसने कहा था, ठीक है ना। तो ये सब की सब पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जीरो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ये बात आ गई समझ में आपको, ठीक, ये इसका एक आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर एक और क्वेश्चन समझना है, उसको सुनिए आप ध्यान से, और आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे पा रहे होगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो इस बोर्ड को देख कर बताइए आपको आंसर समझ में आ गया होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस दिस इज करेक्ट और नॉट, यस दिस इज करेक्ट, तो यही पूछा है उसने, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आंसर है यस, ट्रू। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर ट्रू, ठीक है ना। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर, है ना, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर, एज वेल एज, हाँ एज वेल एज होल नंबर, बाय द डेफिनेशन, यही डेफिनेशन पढ़ी हमने की, ठीक, ये बात आ रही है आपको समझ में, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ठीक। सेकेंड पार्ट का आंसर सुनिए आप, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, देखिए इस बोर्ड को, क्या इसको देखकर आपको कुछ आइडिया लगा, क्या जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्यों, हाँ ये वाले जो नेगेटिव नंबर हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं फॉल्स, सेकंड पार्ट का आंसर है फॉल्स, व्हाई, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स लाइक कौन से इंटीजर्स, जैसे माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, है ना, ये सब क्या नहीं होते हैं, आर नॉट होल नंबर्स, जी समझ आया आपको, कोई डाउट इसमें, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं ये तो। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए आप, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इस बोर्ड को देखिए और बताइए क्या जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, क्या, ट्रू और फॉल्स, व्हाई, हाँ वेरी गुड, जैसे कि माइनस टू अपॉन वन कहीं लिखा है, ये रैशनल नंबर है या नहीं है, है, तो मैंने यहां पर सोचा कि ये तो है रैशनल नंबर, ठीक है, माइनस टू अपॉन वन को मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा, माइनस टू आएगा, और ये जो माइनस टू है, माइनस टू ये एक इंटीजर है, ठीक है, क्या ये एक होल नंबर है, आंसर है नो, ये एक होल नंबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि माइनस टू इज नॉट अ होल नंबर। तो हमने एक रिजल्ट बनाया है कि जितने भी होल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर, है ना, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब क्या नहीं होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट फॉल्स, व्हाई, बिकॉज आपको एक एग्जाम्पल लेकर दे सकते हैं, क्या एग्जाम्पल लेकर दे सकते हैं, माइनस टू अपॉन वन इज नॉट अ होल नंबर,
आप यहां पर कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि उसने सब में क्या पूछा हुआ है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको ट्रू फॉल्स तो बताने ही हैं, साथ में उनके सामने उनके रीजन भी लिखने हैं। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट से, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर होते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 आता है होल नंबर में। जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर होते हैं क्या? आंसर है नो, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, आंसर है नो। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सब रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये उसके बेसिस पर ट्रू और फॉल्स है, इसको नोट कर लो। एक नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 4 क्वेश्चन आप देख चुके, वो आपने समझा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके बेसिस पर आप 2 क्वेश्चन समझ गए थे कि 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है, या कुछ ट्रू फॉल्स आपने देखे। ठीक है, इनके अलावा आपको जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2nd क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन, उसमें आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। आप क्लास 8th में रैशनल नंबर निकालना सीख के आ चुके हैं। कोई भी नंबर आपके पास होता है तो आप उसको किसी एक डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना, और जितने नंबर आपको चाहिए होते हैं वो आप बीच वाले नंबर लिख देते हैं। ये आपका कन्वेंशनल मेथड है। तो मैं आपको एक डिफरेंट मेथड बताता हूँ, जो एक RS अग्रवाल की बुक है आपकी, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मैं वही मेथड आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से, सबका ध्यान केवल बोर्ड पर रहेगा। देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर? 6। तो जितने निकालने हैं उसको थोड़ी देर के लिए नाम रख दो n। कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं, 6 का नाम क्या रख दिया? n। अच्छा सर, 5 निकालने होते तो n इक्वल्स टू क्या लिखते? 5। अच्छा सर, 7 निकालने होते तो n इक्वल्स टू 7। ये बात आ गई समझ में? ठीक, किस किस के बीच में निकालने हैं? 3 और 4 के बीच में। तो जो पहला नंबर होगा वो लिख लेंगे x इक्वल्स टू, ठीक है, और जो दूसरा नंबर होगा वो लिख लेंगे y इक्वल्स टू। ये तो बिल्कुल आसान बात है, पहले नंबर को क्या लिखना है? x, दूसरे नंबर को क्या लिखना है? y, और जितने निकालने हैं उसको क्या लिखना है? n। बिल्कुल आसान सी बात, ये समझ आया आपको? ठीक, अब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले को आप ध्यान से सुनिए। d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, ये फॉर्मूला लिखा मैंने। ये फॉर्मूला आपको एक ऐसी डिजिट दे देगा जो आप ऐड करेंगे x के साथ और आपके पास रैशनल नंबर आते चले जाएंगे। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं क्वेश्चन को आगे करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको कितनी बात बताई है, जितने निकालने हैं उसको n मानना है, फर्स्ट नंबर को x मानना है, दूसरे नंबर को y मानना है, और एक फॉर्मूला मुझे याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? कि d इक्वल्स टू क्या होता है? y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला होता होगा, तो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ मैं। देखना, ध्यान देना प्यारे बच्चों, y की वैल्यू क्या है? y 4। y की वैल्यू कितनी है? तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया? 4 माइनस, ठीक। x की वैल्यू कितनी है? 3। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3। बिल्कुल आसान सी बात, ठीक है, अपॉन में n। n की वैल्यू कितनी है? 6। तो मैंने 6 लिख दिया, और प्लस में क्या चल रहा है? वैल्यू पुट करना। ये तो आसान सी बातें होती हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए, 4 में से 3 माइनस किया कितना? 1, और 6 में 1 ऐड कर दिया तो नीचे कितना? 7। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, किसकी? d की। कितनी? 1/7। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद प्यारे बच्चों, जो रैशनल नंबर आपको निकालने होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। पहला नंबर होता है क्या? x प्लस d। क्या होता है? x प्लस d। दूसरा नंबर जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है x प्लस 2d। क्या होता है? x प्लस 2d। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर होगा प्यारे बच्चों वो होगा x प्लस 3d, है ना। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, समझ गए होगे आप? x प्लस 4d, ठीक है। और नेक्स्ट क्या रहा होगा? x प्लस, और नेक्स्ट क्या रहा होगा? x प्लस, इससे आगे तो जाने की जरूरत नहीं है। कितने निकालने थे हमें?
तो देखो मैंने लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सर अगर 7 पूछे होते तो नेक्स्ट क्या लिखते? वेरी गुड, एक्स प्लस 70। ये बात आ गई समझ में? अच्छा सर 100 पूछे होते तो कहाँ तक जाते? एक्स प्लस 100d। तो क्या हम सर वास्तव में 100 तक निकालते? आंसर है नो। आप क्या करते? स्टार्टिंग के 2-3 निकालते डॉट 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 और कौन सा वाला निकाल देते? 100 वाला। ठीक है, सारे निकालने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको यही करना है। अच्छा अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पर लौटते हैं। एक्स प्लस डी ये पहला नंबर होगा। एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है बोर्ड पर से देखकर। एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है, सोच लिए? एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। वेरी गुड, एक्स की वैल्यू 3। ठीक, प्लस डी की वैल्यू कितनी है? हाँ डी की वैल्यू कितनी है? 1/7। ठीक है, अच्छा आप देखना 7 × 3 कितना? 21 और 21 में 1 ऐड कर दो तो कितना आया? 22। तो ऊपर आ गया 22 और नीचे कितना आ गया? 7। एलसीएम लेना, आपने 8th में सीखा होगा, आपको आता होगा पैसे, है ना? एलसीएम लेना आता ना, तो 7 यहाँ पर नीचे अपॉन में 1 है ना, फिर इसका एलसीएम कितना आएगा? 7। 7 ही तो आएगा, मैं एक बार यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 7 है ना, फिर 1 से इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 7। और 7 का मल्टीप्लाई किस में कराओ? 3 में, तो कितना आएगा? 21 प्लस 7 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे, ऐसे ही तो करते हैं, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 22/7। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाया, 7 × 3 = 21 + 1 = 22/7। इतना समझ आया? अच्छा अब नेक्स्ट नंबर निकालने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। एक्स की वैल्यू बताओ बोर्ड पर देखकर कितनी है? 3। ठीक, एक्स की वैल्यू लिखी 3 है ना, प्लस 2 × डी की वैल्यू कितनी है? 1/7। तो 1/7 ऐसे लिखोगे आप। ठीक, ये बात आ गई समझ में? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, 3 ऐसे ही ठीक है, प्लस 2 × 1 कितना और अपॉन में क्या? 7 × 3 कितना? 21। 21 में 2 ऐड करो तो कितना आएगा? 23 अपॉन, ये एलसीएम ले लिया इसका। ठीक, ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट निकालिए, एक्स की वैल्यू कितनी? 3 प्लस 3 × डी की वैल्यू कितनी? 1/7। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3 ऐसे ही ठीक है, प्लस 3 × 1 कितना? 3 और अपॉन में क्या? 7। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? 7 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे कितना आएगा? 21 और 21 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 अपॉन में क्या? 7। ये आ गया, ये बात आई समझ में? अच्छा अब नेक्स्ट कैलकुलेट करिए फिर से। x की वैल्यू कितनी? 3 प्लस 4 × डी की वैल्यू 1/7। इसको सॉल्व करना, 3 प्लस 4 × 1 4 और अपॉन में क्या? 7। 7 × 3 = 21 और 21 और 4 मिलकर कितना? 25 अपॉन 7। 4 निकल गए, अब नेक्स्ट निकालो। x की वैल्यू 3 प्लस 5 × डी की वैल्यू 1/7। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7 × 3 = 21 और 5 ऐड हुआ होगा है ना, तो कितना आ रहा होगा? 26/7। इसी तरह से ये नेक्स्ट निकाला है। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी? 3 प्लस 6 × डी की वैल्यू 1/7। तो आंसर कितना आएगा? 7 × 3 = 21 21 और 6 मिलकर कितना? 27/7। तो आपने 6 रैशनल नंबर निकालने थे आपको, वो आप नंबर निकाल चुके हैं। कौन कौन से नंबर हैं 3 और 4 के बीच में? तो आंसर है, पहला आंसर क्या आया था हमारा? 22/7। दूसरा आंसर कितना आया था? 23/7। फिर नेक्स्ट आंसर कितना? 24/7। नेक्स्ट कितना आया? 25/7। नेक्स्ट 26/7। नेक्स्ट 27/7। ये वो नंबर हैं जो आपको रिक्वायर्ड नंबर थे। ठीक है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। ठीक, तो जब भी सर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करते हैं? जितने नंबर चाहिए उसको क्या मान लेते हैं? एन। जो पहला नंबर होता है उसको क्या मान लेते हैं? एक्स। जो दूसरा नंबर होता है उसको क्या मान लेते हैं? वाई। ठीक, फिर इसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d = y - x / n+1। ठीक है, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास डी की वैल्यू आ जाती है।
फिर इसके बाद जो नंबर होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, x प्लस डी, x प्लस टू डी, x प्लस थ्री डी, x प्लस फोर डी, जितने चाहिए उतने आप करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को इसी तरह से समझने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन गिवन है, वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर, देखिए कितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, फाइव, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, फाइव। वेरी गुड, ये ठीक। पहले नंबर को क्या मानते हैं, एक्स, ठीक है। दूसरे नंबर को क्या मानते हैं, वाई। इतनी बात सर समझ में आती है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट सर जो आपने फॉर्मूला बताया था वो है d इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन में क्या, n प्लस वन। ये आपने फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी, 4 अपॉन फाइव माइनस x की वैल्यू कितनी, 3 अपॉन फाइव, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, n प्लस वन, n की वैल्यू कितनी है, 5, और प्लस में क्या, 1। बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहा है, ठीक। अब इसके बाद सुनना प्यारे बच्चों ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5, है ना, और ऊपर 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा था, 5 प्लस 1 कितना, 6। ये बात आ गई आपको समझ में। अब एक चीज ध्यान देना, कभी गलती नहीं करना, ये 5 यहां मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, तो आंसर कितना आएगा, 1 तो ऊपर रह जाएगा और ये 5 या 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना, 30। ये समझ आई बात आपको, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 1/30। अब आप मुझे बताओ कि सबसे पहले क्या यहां पर निकाला जाएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, x प्लस डी। वेरी गुड, x प्लस डी, ठीक है। x की वैल्यू आपने मुझे क्या बताई थी, 3/5, और d की वैल्यू आपने क्या निकाल के दी मुझे, 1/30, ठीक है। अब इस स्टेप पर आना ध्यान से, यहां पर प्यारे बच्चों हम लेंगे एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 30, ठीक है। किसी को एलसीएम लेना नहीं भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां पर जो नंबर है इस नंबर से इसको डिवाइड करो, कितना आंसर आया आपके माइंड में, 6, जो आंसर आया उसका यहां मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। कितना आया, 18, 5, 6, 30, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आया, 18। बिल्कुल सिंपल है, ये तो सीख के आए हम, ठीक। और 30 से इसको डिवाइड कराओ तो कितना आएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1, तो आंसर कितना, 19/30। ये समझ आया आपको, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि मैं क्या निकालूं, हाँ, x प्लस 2d, x की वैल्यू कितनी, 3/5, ठीक है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1/30, है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले तो 3/5, है ना, और प्लस में 2 इंटू 1 क्या, 2, और अपॉन में क्या, ऐसे स्टेप चलाओ, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 30, 5, 6, 30, और 6, 3, 18, प्लस क्या चल रहा है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20/30, ठीक है। अगर यहां पर कभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो ना तो कैंसिल आउट कर दिया करो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या बचेगा, 2/3, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर आप करना भूल गए तो कोई बात नहीं, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट बताओ प्यारे बच्चों क्या निकालूं मैं, हाँ, एक्स प्लस 3d, एक्स की वैल्यू 3/5 प्लस 3 ऐसे ही, ठीक है, डी की वैल्यू 1/30, ठीक है। आगे कर लेते हैं, 3/5 ऐसे ही, ठीक है, 3 × 1, 3, और अपॉन में क्या चल रहा है, 30, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कितना, 30, ठीक। 5 से इसको डिवाइड कराओगे, 6, और 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना, 18, है ना। 30 से डिवाइड कराओगे 1, और 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना, 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, 21/30। यहाँ तक निकाल लिया हमने, अब क्या निकालेंगे, हाँ, x प्लस 4d निकालिए, x की वैल्यू बताइए कितनी है,
थ्री अपॉन फाइव प्लस फोर इंटू डी की वैल्यू कितनी, वन अपॉन थर्टी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेता है, थ्री बाय फाइव, फोर इंटू वन फोर और अपॉन थर्टी, एलसीएम कितना 30। और ये प्रोसेस अब आपको समझ में आती होगी कि कैसे करते हैं, 22/30 है ना, और 22/30 अगर कैंसिल आउट होता है आपसे तो इसको कैंसिल आउट भी करेंगे आप, कितना 11/15, किससे कैंसिल आउट किया मैंने, 2 से। ठीक है, x प्लस 4d आ गया। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों बात करनी है हमें, लास्ट वाली बात, वो कौन सी है, x प्लस 5d है ना। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/5, ठीक है ऐसे ही, ठीक है, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/30। ठीक है, एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा, 30, 5 से ये सॉल्व होकर 18 आएगा ऊपर, और यहाँ पर 5 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 23/30 ये आ जाएगा। तो जो 5 रैशनल नंबर आपको निकालने थे वो कौन कौन से हैं, पहला क्या आया था, हाँ 19/30, पहला आंसर आया था 19/30, दूसरा आया था 20/30, लेकिन उसको हमने क्या लिख लिया था, 2/3, नेक्स्ट आया था 21/30, यही आया था, चेक कर लें, हाँ इसको भी तो हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ 7/10 ऐसा लिख सकते हैं, 7/10, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चाहें तो 21/30 लिख दें या 7/10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 22/30 आया था, और लास्ट हमारे पास 23/30। पीछे बुक में आंसर हो सकता है सिंप्लीफाई करके दे रखे हों, तो मैं उनको वैसे भी लिख देता हूँ, 7/10, और ये बताना मुझे कितना, 11/15, और ये 23/30, ये इसके आंसर हो सकते हैं। तो समझ आ रहा है आपको, ठीक। सो ये था प्यारे बच्चों एक और तरीका रैशनल नंबर निकालने का, और कन्वेंशनली जो आप पढ़ते हुए आए हो वो तो है ही, एक इजी वाला आसान वाला मेथड, एक और तरीका सीखा आपने।